था कि आपने भी जैसे बोला और ये हमने महसूस भी किया है कि रमजान गुजरने के साथ साथ भूख का एहसास कम हो जाता है। तो ये भूख क्या सिर्फ एहसास है या जिस्म की जरूरत है? जी, ज़रूरत ही है, और ज़रूरत का जो तरीका है, भूख अपनी ज़रूरत अब कैसे बताएगी जिस्म? वो एहसास पैदा करके बताएगी। जिनको भूख ना लगे उनका तो बकायदा इलाज करना पड़ता है, दवाइयाँ इसकी दी जाती हैं कि उसको वो सिग्नल क्यों नहीं पैदा हो रहे। खाली भूख नहीं, प्यास भी ना लगे अगर आपको, तो आप कहीं देयर इज समथिंग ना। तो भूख के एक एहसास है, तकाजे का एहसास, ज़रूरत का एहसास। जो मैंने अर्ज़ की है वो है गैर फितरी भूख, जिसके पूरी दुनिया आदत हुई हुई है इस वक्त। घंटों के हिसाब से खा रही है। अगर कैलकुलेट करें ना आप, दिन में 4 से 6 मरतबा खा रहे हैं, वो 2 वक्त या 3 वक्त वाली तो बात ही ख़त्म होगी। तो वो हर वक्त खाए जा रहे हैं, हर वक्त जुगाली हो रही है, तो वो बगैर तकाजे के हो रही है। तो वो उस गैर फितरी, गैर हकीकी भूख के में कमी होगी, आप ये गौर कीजिएगा। अभी भी आप देख लें, भले से आप जैसे भी मरीज हैं, अगर आप अच्छे से रोज़ा रख रहे हैं, आप 1 हफ्ता गुजरने दें, आपके अंदर से गैर हकीकी भूख की तलब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बस बच्चियाँ, ख़ासतौर पर जो पापड़ खोर किस्म की बच्चियाँ हैं, वो हर वक्त नूडल मैगियाँ खाने वाले बच्चे हैं, बबल चबाने वाले थे, या पिज्जे और शवारमा जात वगैरह खाने वाले बच्चे हैं, तो ये गैर हकीकी भूख पैदा करते हैं पेट में गर्माइश होने की वजह से। तो रमज़ान में इसको मौका मिल जाता है उसको भी ख़त्म करने का। वो जो बीमारी बन गई है, गैर ज़रूरी गलीज रुतुबात पेट में जमा है ना, तो उनके अंदर जो बबल उठते हैं तो उससे गैस बनती है, तो उसको ये फील करते हैं शायद मुझे भूख लग रही हो, पकड़ के और खा लेते हैं। ठीक है, तो अंदर पहले की गलाजत मौजूद है, आप ऊपर से दूध भी डाल देना, जो पाक तरीन चीज़ है, वो अंदर जाके गलाजत के साथ मिलके गलीज ही बनेगा। तो रमज़ान, जिस तरह मैंने इशारा किया था, रमज़ान में इतना बड़ा मौका मिलता है सबको कि वो गलीज रतूबात के जलने का मौका मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा जलते जाता है। और 30 दिन से पहले पहले, आप आखिरी अशरे से पहले, बल्कि तमाम लोग तकरीबन नीट एंड क्लीन खड़े होते हैं। अलबत्ता वो लोग जो रोज़ा रखने के बावजूद सहर और अफ्तार में अपने साथ जुल्म करते हैं, उनका फिर कोई इलाज नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट।